अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे आवर टॉपिक इज़ एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सो एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आर द मेथड बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन कंपोनेंट्स विद इन कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल नेटवर्क। ठीक है, कि हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ऐसे ट्रांसमिशन मेथड हैं। ट्रांसमिशन मीन जब हमारा डाटा सेंड होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो वो जो नंबर ऑफ बिट्स करेक्टर्स की फॉर्म में हमारा डाटा सेंड होता है, ठीक है, उसमें दो टाइप्स होती हैं। एक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है, दूसरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिंक्रोनस। द ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम इंटरवल बिटवीन ईच करेक्टर इज़ नॉट सेम इज़ नोन एज एसिंक्रोनस। अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखें क्लास, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो करेक्टर्स लिखे हुए ई डी सी बी और ए, इनके बीच में आप देखें जो गैप है, ठीक है, इस गैप को कहा जाता है टाइम इंटरवल। तो ये सेम नहीं है, ठीक है। मीन वाइल कि एक करेक्टर सेंड हो रहा है, फिर एक सेकंड के बाद दूसरा सेंड हो रहा है, फिर दो सेकंड के बाद तीसरा सेंड हो रहा है, फिर ढाई सेकंड के बाद चौथा सेंड हो रहा है। मीन वाइल कि इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम इनके बीच में जो सेंडिंग हमारे पास करेक्टर्स हैं, इनके इनमें जो टाइम है वो सेम नहीं है, ठीक है, इनका टाइम इंटरवल सेम नहीं होता। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन मोड इन विच टाइम इंटरवल बिटवीन ईच करेक्टर इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ईच करेक्टर इज़ ट्रांसमिटेड विद एडिशनल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ एडिशनल स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। स्टार्ट बिट इंडिकेट दैट ट्रांसमिशन इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इंडिकेट दैट इट अबाउट टू स्टॉप। अब एसिंक्रोनस में जो क्लास स्टार्ट एंड स्टॉप बिट साथ लेके जाते हैं, ठीक है, जब भी करेक्टर सेंड होता है तो करेक्टर की जो पहला एंड है उस पर ज़ीरो और दूसरा एंड है उस पर वन, ठीक है। ज़ीरो का मतलब है कि करेक्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वन का मतलब है कि करेक्टर वहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को साथ लेके जाता है, ठीक है, ज़ीरो और वन की फॉर्म में। स्टार्ट बिट इज़ जनरली ज़ीरो एंड स्टॉप बिट इज़ वन, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट की जो बिट होती है वो ज़ीरो होती है और एंड की जो बिट है वो वन होती है। बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट द बिट रिप्रेजेंटिंग अ करेक्टर एंड ट्रांसमिटेड एट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। अब देखें कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल होता है वो क्योंकि सेम नहीं होता, लेकिन हम जिस स्पीड के साथ डाटा जा रहा होता है वो सारों की क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। मीन वेल एक करेक्टर अगर एक जगह से दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए 3 सेकंड लगा रहे हैं, तो बाकी सारे भी 3 सेकंड ही लगाएंगे, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज़ स्लो बिकॉज ऑफ एडिशनल बिट ट्रांसमिटेड विद ईच करेक्टर। इट इज़ सूटेबल फॉर लो स्पीड कनेक्शन बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड कीबोर्ड एंड माउस। अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन स्लो क्यों होती है, स्लो इसी वजह से होती है क्लास क्योंकि ये अपने साथ एक्स्ट्रा बिट लेके जाते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ऐसे ही है जैसे मैं आप में से एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने यहाँ से क्लास में से नीचे जाना है प्रिंसिपल ऑफिस तक, लेकिन मैं एक हाथ में भी उसके बैग पकड़ा देता हूँ, दूसरे हाथ में भी बैग पकड़ा देता हूँ, तो वो एडिशनल मीन वाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। एक हाथ लेफ्ट हैंड में भी बैग है, राइट हैंड में भी बैग है, तो ऑब्वियसली जब वो एडिशनल चीज़ साथ लेके जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसकी स्पीड भी इसलिए स्लो है क्योंकि ये साथ एडिशनल स्टार्ट एंड स्टॉप बिट लेके जाता है, ठीक है। अभी है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस ये है कि जो टाइम इंटरवल है वो एसिंक्रोनस में वो सेम नहीं है, जो कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में टाइम इंटरवल बिटवीन द करेक्टर इज़ ऑलवेज सेम। इनके बीच में अगर नीचे वाले डायग्राम देखें तो जहाँ पे लिखे हुए करेक्टर्स, इनके बीच में टाइम इंटरवल देखें तो वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। दो के बीच में अगर आप टाइम इंटरवल देखते रहें तो वो सारों में सेम चल रहा है, ठीक है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन देयर इज़ नो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एडिड विद करेक्टर। अब इसमें देखें कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बिट साथ लेके नहीं जाते, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी फास्ट होती है और ये इनका टाइम इंटरवल भी सेम होता है। डेटा कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन ट्रांसमिटेड एज लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ बिट्स, द रिसीव काउंट द बिट एज दे अराइव एंड रिकॉग्नाइज द करेक्टर। अब एंड पे बिल्कुल जहाँ पे सारे करेक्टर रिसीव हो रहे होते हैं वहाँ पे एक काउंटर लगा होता है, जितने करेक्टर सेंड हो रहे होते हैं वो काउंटर काउंट करता रहता है और एट दी एंड वो बता देता है कि मेरे पास इतने करेक्टर जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं, ठीक है।
Synchronous transmission is faster than asynchronous transmission because it does not require extra start and stop bit. Therefore, it is used for fast data communication between computers and computer network. तो ये start and stop bit extra, जैसे मैंने आपको example दी कि एक student है जिसके हाथ में मैं दो bag पकड़ा देता हूँ heavy और उसको मैं कहता हूँ नीचे जाए, और एक student है जिसको मैं खाली स्टूडेंट को कहता हूँ कि जी आप नीचे जाएं, ठीक है। तो वो जो खाली स्टूडेंट होगा, जिसके हाथ खाली होंगे, वो जल्दी पहुँच जाएगा क्योंकि उसके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसमें भी ऐसे ही होता है कि सिंक्रोनस आपके पास फास्ट होती है क्योंकि इसके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये फास्टर होता है। ये हम कंप्यूटर नेटवर्किंग्स में जो यूज़ किया जाता है मोड, वो सिंक्रोनस मोड ही होता है। ठीक है क्लास, होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसको अपने रीड आउट करना है, और नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।